जय हिंद साथियों, यू आर वंस अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेस टेक्निक एंड साइंस, एंड वी आर प्रेजेंट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.1, मैथ क्लास 4 8। और इस प्रश्नावली का नवा सवाल है, नौवा प्रश्न है। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, ए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं और दो बार हल करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही परिवर्तित करना होगा, इसलिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और धन 60 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर हो गए आपके 560 सेंटीमीटर। दूसरा, 3 मीटर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 300, 3 मीटर के 300 सेंटीमीटर धन 20 बराबर 320 सेंटीमीटर। और 5 मीटर के बराबर 500 सेंटीमीटर। अब हम पहला भाग हल करते हैं। माना कि खंभे की छाया की लंबाई एक्स सेंटीमीटर है। चूंकि हमने सभी इकाइयां सेंटीमीटर में परिवर्तित कर ली हैं, चेंज कर ली हैं, इसलिए अब हम इसकी इकाई सेंटीमीटर लेकर ही चलेंगे इस प्रश्न में। पहले खंभे की ऊंचाई ले लेते हैं हम। खंभे की ऊंचाई इकाई में सेंटीमीटर में और छाया की लंबाई ये भी सेंटीमीटर में है। तो पहले खंभे की ऊंचाई है 560 सेंटीमीटर और छाया की लंबाई है 320 सेंटीमीटर। फिर खंभे की ऊंचाई है 1050 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो है ही है, और छाया की लंबाई हमें फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आर
फाइंड आउट द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल। तो सीधा समानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये, डायरेक्ट रेशो में है, होने से ये हो जाएगा आपका 560 बटा 320 बराबर 1050 बटा एक्स। अब त्रिक गुणा कर देंगे हम इसका एक्स में और 320 का 1050 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 560 एक्स बराबर 1050 गुणित 320। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस राशि को पक्षांतरित कर देंगे, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1050 गुणित 320 बटे 560। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी और 2 से 56 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1050 बटा शून्य से शून्य कैंसिल हो गई, अब बचे ये 56, 320 हैं, ये 320 हैं, तो शून्य से शून्य कैंसिल हो गई। अब हमको 8 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 8 7 56 गुणित 8 4 32, फिर 7 से इनको कैंसिल कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे इसमें, तो 7 1 7 बचे 3 35 हो गए, 7 5 35 शून्य गुणित 4। 7 का भाग करके दिखाता हूँ मैं आपको, 1050 डिवाइडेड बाय 7 देन बी फाउंड 7 बन जा 7 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10 वी फाइंड 3, उतारे नीचे 5 होगा 35, 7 5 35 सब्सट्रैक्ट करने पर नथिंग फाउंड और 0 बचा, तो 0 इसमें लगा देंगे, इस प्रकार से आ गया 150, 150 इंटू 4 विच मीन्स 4 5 20, 4 1 4 और 2 6 और 0, ये 600 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड 600 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो खंभे की छाया की लंबाई 6 मीटर होगी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग उसी रेशो में, उसी अनुपात में, दूसरा भाग, दूसरे खंभे की छाया की लंबाई हमें ज्ञात करना है, उसी अनुपात में उसी समय पर, यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो माना कि खंभे की ऊंचाई
एक्स मीटर है, एक्स सेंटीमीटर है। अभी हम सेंटीमीटर में ही काउंट करेंगे, तो सीधा समानुपात होने से, समानुपात होने से 560 बटा 320 बराबर एक्स बटे 500। ये इसमें भी अब हम त्रिक गुणा करेंगे तो 560 का 500 में गुणा हो जाएगा और 320 का एक्स में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 320 गुणित एक्स बराबर 560 गुणित 500। फिर हम इसको पक्षांतरित कर देंगे तो एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 560 गुणित 500 बटे 320। यहाँ पर भी हम कैंसिल कर देंगे, काट पीट देंगे, भाग कर देंगे, तो एक शून्य से कोई भी एक शून्य काट देंगे। फिर हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 14 चौक 56 और 4 8 32 गुणित 500। फिर 2 से विभाजित कर देंगे तो 7 बटे कितना 4 गुणित 500। फिर 4 से 500 हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 गुणित 500। हम भाग कर के देखते हैं अपन कितना आता है, 125 आना चाहिए। तो हमने भाग किया 4 एकम 4, 1 बचा, 17 शून्य हो गए 10, 4 दूनी 8। फिर हमने घटाया तो बचे 2, 17 शून्य, 4 पंजे 20। इस प्रकार से आ गया आपका 125। तो 7 गुणित 125। अब हम 7 का गुणा कर देंगे इसमें तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल आई 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875 सेंटीमीटर उसकी छाया की लंबाई हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ये 9वां प्रश्न हल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं 10वें प्रश्न के हल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।